हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है गैस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन को बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ लेना और टिश्यू के थ्रू इसको यूज़ कराना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में प्रोड्यूस हुई है थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये होता है गैसेस एक्सचेंज का, यही मेजर फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द लंग। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये एज अ शॉर्ट नोट आता है। ओके, तो इसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं लंग की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है वो है लंग डिफेंस मैकेनिज्म। और जैसे कि दूसरा फंक्शन, दूसरे टाइप का फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शंस। जो लंग है वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, कुछ तो बॉडी में मतलब लंग में सिंथेसाइज होते हैं और वहीं पर यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लड से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो आपके लंग्स में जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये आपका हार्ट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पे जो लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो लंग में जाता है। दिस इज इन दैट वे, ये लंग में जा रहा है, ये होता है पल्मोनरी aorta और ये होता है पल्मोनरी veins। ओके, तो पल्मोनरी veins में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि मतलब ब्लड से सब्सटेंसेस लंग्स में आए और वहाँ पर उन्होंने कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिनको जो लंग्स होता है वो उनको एक्सक्रीट कर देता है, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यानी कि ब्लड की जो वेसल्स हैं उनका भी कुछ डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो हम इसको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक लंग के डिफेंस मैकेनिज्म्स, दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शंस, और तीसरा लंग की सर्कुलेशन के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम इस तरीके से तीन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है लंग का डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में बताया था कि डिफरेंट पार्टिकल्स का जो डिफरेंट साइज है उसके हिसाब से जो बॉडी में उनको प्रोटेक्ट करने की मैकेनिज्म लंग्स में वो डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है? जैसे कि अगर मोर देन 10 माइक्रोमीटर है पार्टिकल साइज तो वो नोज में, जो नेजल कैविटी में होते हैं आपके सिलियाज, वहाँ पर भी जो और हेयर्स होते हैं, सॉरी नेजल कैविटी में होते हैं हेयर्स और फिर ट्राकिया से लेके सिलिया शुरू होते हैं। तो जो मोर देन 10 माइक्रोमीटर डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने नोज में ही अटक जाते हैं, तो दे आर प्रोटेक्टेड बाई द नेजल हेयर्स एज वेल एज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। नोज में जो म्यूकस ग्लैंड मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जैसे म्यूकस सीक्रेट होता है, तो जो बैक्टीरिया हैं या कोई भी फॉरेन पार्टिकल मोर देन 10 माइक्रोमीटर साइज के वो वहाँ पे आप उसको एनगल्फ मतलब वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का, है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ये, तो उस प्रोटेक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है डिफेंस करना। फिर अगर कोई 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का साइज का पार्टिकल है वो आपके जो ट्राकियल सिस्टम है, ट्राकिया ब्रोंका, यहाँ पे सिलिया होते हैं और उन सिलिया का मूवमेंट्स बाहर की तरफ होता है, तो वो उन सिलिया से बाहर की तरफ में यू कैन से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और बाहर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द नोज। ओके, इसको हम बोलते हैं म्यूकोसिलियरी एक्सेलेरेटर मैकेनिज्म। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, यहाँ आप देख सकते हैं म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर मैकेनिज्म। ये वाइवा में कई बार पूछ लिया जाता है कि वॉट इज म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर मैकेनिज्म। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सिलिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये सिलिया कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये ट्रैकिया से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस तक सिलिया होते हैं। ओके, लेस देन 2 माइक्रोमीटर साइज के अगर पार्टिकल है तो वो हो सकता है लंग्स तक चला जाए, एल्वियोलाई तक चला जाए। तो एल्वियोलाई में वहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं डस्ट सेल्स, और वो डस्ट सेल्स या मैक्रोफेजेस सेल्स कई सारे काम करती हैं। मेजर काम तो होता है वो एज अ फैगोसाइटिक सेल्स काम करती हैं। फैगोसाइटिक मीन्स वो सेल्स जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को या किसी फॉरेन पार्टिकल को खा सके।
दूसरा, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करती हैं डस्ट सेल्स कि जो वहाँ पर अदर सेल्स जो ब्लड में होती है, प्रोटेक्टिव सेल्स, जैसे कि आपकी मैक्रोसाइट्स होती हैं, जैसे कि आपकी ये क्या कहते हैं आपका न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ओके, तो उन सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स को और आपकी मोनोसाइट्स को, उनको अट्रैक्ट करके वहाँ पर एनगल्फ कराने का काम करे, मतलब इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करे, ठीक है। दूसरा, ह्यूमिडिफाई एंड कूल और वार्म द एयर। हमारा जो नोज है, हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, वो थोड़ा, वो स्ट्रेट नहीं है एकदम, वो थोड़ा सा यू कैन से कि टेढ़ा मेढ़ा है, यू कैन से कि ये इसका एक, जैसे यहाँ पर हम नोज है, नोज में क्या होते हैं, कॉन्का होते हैं। कॉन्का क्या होते हैं, जो आपकी नोज है यहाँ पर तीन इस तरह से जो है बोन्स, बोन्स में यू कैन से कि तीन बोन्स में जो है वहाँ पर एक कह सकते हो आपकी एक पैसेज होता है, जो कि वो जो बोन्स से एयर गुजरती है, तो वो उस जो एयर है वो बाहर के टेम्परेचर पे आई है, लेकिन इस रास्ते से जब वो गुजरती है तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अगर कूल एयर है तो वो थोड़ी कंपैरेटिवली वार्म होके निकल जाती है, कोई वार्म पहले से बहुत ज़्यादा हॉट एयर है तो वो उसका टेम्परेचर घट जाता है और बॉडी टेम्परेचर पर आ जाता है, तो ये टेम्परेचर को मेनटेन करने का काम करते हैं, ओके। दूसरा जो है ये उसको ह्यूमिडिफाई भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस भी है, ग्लैंड्स हैं, तो ह्यूमिडिफाई का काम भी कर देते हैं। लंग डिफेंस में एक होता है जो एयरवे है आपका, जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, जो एयरवे की इपिथीलियल सेल है, एयरवे है उसकी जो वॉल होती है इपिथीलियल लेयर, उससे कई सारे सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जैसे कि IgA। IgA क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। इम्यूनोग्लोबुलिन कई तरह की होती हैं, IgG, IgA, ME, तो यहाँ पर IgA स्पेशल है जो सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है और ये इन माइक्रोब्स को किल करने का काम करती है, उसमें हेल्प करती है। फिर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेस, ये प्रोटीन्स के एक तरह से समझ सकते हो कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के छोटे पार्ट को टूट, जब प्रोटीन ब्रेक होती है तो पेप्टाइड्स बनते हैं, तो यहाँ पर क्या पेप्टाइड्स का सिक्रीशन होता है। और प्रोटीजेस, प्रोटीजेस का मतलब है वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ सकें। अब बैक्टीरिया जो है उसमें प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन को लाइस करके ये माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। तो पेप्टाइड्स, प्रोटीजेस या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि जो आपका बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोब है उसको किल करने का काम करते हैं। तो याद रख सकते हैं आपकी एयरवे एपिथीलियम से इम्यूनोग्लोबुलिन ए, पेप्टाइडेजेस, पेप्टाइड्स, प्रोटीजेस एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती हैं और वो माइक्रोब को किल करने का काम करती हैं। ये जो एयरवे की एपिथीलियम है ये कुछ और सीक्रेट्स भी करती है, केमिकल्स जैसे कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस, जो कि अट्रैक्ट करते हैं इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल्स ब्लड में जैसे मैक्रोफेजेस हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, उन सबको अट्रैक्ट करके, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया है उसको ये किल करने का काम कराएगी, ओके। तो याद रख सकते हो कीमो माने केमिकल, काइंस ठीक है, ऐसे साइटो, साइटो वर्ड होता है सेल के लिए, साइटोकाइंस, तो कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हेयर्स इन नॉस्ट्रल अभी हमने कवर कर लिया है, तो हेयर्स इन नॉस्ट्रल जो है मोर देन 10 माइक्रोमीटर साइज के माइक्रोब्स को कवर करेगा, ओके। म्यूकोसिलियरी एक्सेलरेटर मैकेनिज्म, यानी जो सिलिया हैं अप टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक के यूज करते हैं, 2 to 10 माइक्रोमीटर। और पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस यानी डस्ट सेल्स कहते हैं, जो कि लेस देन 2 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स को फैगोसाइटोस करेगा, ओके। नाउ जो ये सिलिया होते हैं, सिलिया की अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, सिलिया की एबनॉर्मलिटी अगर हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्सेलेटर मैकेनिज्म है, म्यूकोसिलियरी एक्सेलेटर मैकेनिज्म, जितने भी अगर कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया अंदर आ रहा है तो उसको यूनि बाहर की तरफ मूव करा देते हैं, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट है। अब अगर सिलिया डिफेक्टिव हो या एबसेंट हो तो क्या होगा, रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको रोक नहीं पाएंगे बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को, तो वो लंग में जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और कौन से भी ज़्यादा चांस होते हैं, राइट लंग में, मैंने बताया था राइट लंग में ज़्यादा चांस होते हैं, क्यों, बिकॉज राइट ब्रोंकस इज मोर वाइडर एंड एज कंपेयर टू स्ट्रेटर, ओके।
और क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस भी होता है कि जो नाक में नाक कंटिन्यूस बहता रहता है, मीन्स देर इज़ अ कंटिन्यूस रनिंग ऑफ रनिंग नोज एंड द फ्लूड इज देयर, रनिंग नोज इज देयर, तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस इन्फेक्शंस होते रहते हैं. साइनसेज होते हैं हमारे यहाँ पे नोज में, यहाँ पर जो स्कल बोन होती है साइनसेज होते हैं, एयर स्पेस, एयर फिल्ड स्पेस होते हैं साइनसेज. एथमोइड साइनस हो गया जैसे ना, मैक्सिलरी साइनस हो गया, तो वो साइनस होते हैं जिनमें इन्फेक्शंस होने का चांस बढ़ जाता है. और एक सिंड्रोम हो सकता है जिसे हम कहते हैं कार्टाजेनर सिंड्रोम, कार्टाजेनर सिंड्रोम ऐसे याद रख सकते हो. आप अगर कभी वैष्णो देवी गए होंगे तो वहाँ कटरा आता है, जब उसकी ट्रेन होती है ना तो कटरा आता है, ऐसे उसके नाम से याद रख सकते हो कार्टा. और जेनर होता है क्या चीज़, जेनेसिस करने की, किसी भी चीज़ को हम जेनेसिस कहते हैं. ये मैंने आपको सिर्फ याद रखने के बताया है कि आप कटरा के नाम से इसको याद रख सकते हो, इट इज़ अ कार्टाजेनर सिंड्रोम. तो इसमें क्या होता है, सिलिया डिफेक्टिव होते हैं, सिलिया एब्सेंट होते हैं, डिक्रीज इन नंबर्स होते हैं, उनकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं. और इन पेशेंट्स में, क्योंकि जो स्पर्म है, स्पर्म में भी सिलिया चाहिए, स्पर्म होता है, स्पर्म में सिलिया चाहिए होता है, तो इसलिए इन पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, लंग इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं. कार्टाजेनर सिंड्रोम, ये वाइवा का क्वेश्चन भी होता है. ठीक है, तो ये सारा कुछ हम डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर लिख सकते हैं. फिर आते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस. मेटाबॉलिक फंक्शंस में जैसे सर्फेक्टेंट सिक्रीशन. सर्फेक्टेंट क्या है, एक लिपिड का जो मिक्सचर है, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर है, और जो कि एल्वियोलाई की वॉल में टाइप 2 न्यूमोसाइट से सिक्रीट हो रहा है. मैंने अपने बताया था यहाँ पे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की वॉल है, और वहाँ पर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं. टाइप 2 न्यूमोसाइट से ये सिक्रीट होता है, और इसका काम होता है इट डिक्रीजेज दी सरफेस टेंशन. आप सर्फेक्टेंट की वीडियो में इसका फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं. इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन एंड इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई. चलिए क्या होता है, एल्वियोलाई की टेंडेंसी होती है जब इंस्पिरेशन है तो वो ऐसे फूल रही हैं, जब एक्सपिरेशन होता है तो उनका साइज छोटा होता है, एंड चांसेस होता है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये कोलैप्स कर जाए. कुछ एल्वियोलाई कोलैप्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. लेकिन सर्फेक्टेंट क्या है, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की सिक्रीशन टाइप 2 न्यूमोसाइट से थिन सा फ्लूड की लेयर यहाँ बना लेता है जो कि इसको कोलैप्स नहीं होने देता बिकॉज इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन. ओके, तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन में आ गया. ठीक है, यानी कि ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय द लंग्स एंड ऑल्सो यूज इन द लंग, लंग में यूज हो गए. और क्या होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस और होते हैं, तीन तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेज मेटाबोलाइज बाय द लंग. एक तो ऐसे होते हैं जो किडनी में ही लंग्स में ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द लंग, लंग में ही स्टोर हो रहे हैं एंड रिलीज इन टू द ब्लड, यानी वो वहीं पर सिंथेसाइज होकर स्टोर होते हैं और रिक्वायरमेंट होने पे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. वो कौन कौन से हैं, PGs, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन. आप दो याद रखें, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन. हिस्टामिन क्या सब्सटेंस होता है, जैसे आपने कभी नॉर्मली में देखा होगा कि जो हिस्टामिन है ना एलर्जी में यूज़ होता है, जो रेडिश रेडिश पोर्शन कर देता है वो होता है हिस्टामिन. तो जस्ट मैंने याद रखने के लिए बताया, यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन दो सब्सटेंसेज हैं जो लंग्स से सिंथेसाइज होते हैं और ब्लड में जाते हैं. ठीक, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं लेकिन लंग उनको रिमूव करता है पार्शली, कुछ हद तक उनको वो रिमूव कर देता है, क्योंकि वो सब्सटेंसेज जो हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर हैं तो वो उसको रिलीज़ कर मतलब रिमूव करने का काम करता है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज वाले में भी है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिमूव वाले में भी है, पहली बात तो आप याद रखेंगे. यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन कॉमन है. दूसरे यहाँ पे दो सब्सटेंस आपको याद रखने हैं, ब्रैडीकाइनिन एंड सेरोटोनिन. ब्रैडीकाइनिन एंड सेरोटोनिन ये दोनों जो हैं यहाँ से रिमूव किए जाते हैं, ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं कुछ सब अमाउंट में यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं. तीसरा आप याद रख सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन होता है, पैरासिंपैथेटिक में एसिटाइलकोलिन होता है, तो ये भी रिमूव यहाँ से किए जाते हैं. तो आप सिंपल है, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ से आ गया, बाकी सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक के नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन दो आपको याद रखने हैं, ब्रैडीकाइनिन एंड सेरोटोनिन. फिर कुछ ऐसे एक सब्सटेंस ऐसा है जो कि लंग में एक्टिवेटेड होता है, जैसे लंग में होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ACE इज अ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर सकता है. इट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो कैसे करता है, 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा है बस,
एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम? ये जो लंग्स में पल्मोनरी वेसल्स हैं वहाँ पर ये उनकी एंडोथीलियल सेल में ये पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई के चारों तरफ जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज का गुच्छा बनता है, तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं यहाँ से ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट होता है और ये 1 से 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है? इट इज़ अ वैसो कंस्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है ये। बाकी किडनी में भी इसका रोल होता है, जैसे किडनी में एफरेंट आर्टेरियोल आ रही होती है, इफरेंट आर्टेरियोल जा रही होती है, ठीक है? तो जो इफरेंट आर्टेरियोल है उसको मेजर कंस्ट्रिक्ट दोनों को करता है, पर मेजर इफरेंट पर काम करता है एंजियोटेंसिन 2, जिससे वो जीएफआर के जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसके कंट्रोल में भी हेल्पफुल होता है। ओके, तो याद रख सकते हो कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए आप एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको और थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, तीसरे जो टाइप का फंक्शन है पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो लंग्स के आसपास में ब्लड वेसल्स फैली है, पल्मोनरी कैपिलरीज की ब्रांच फैली है, उनका क्या काम है? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड रिजर्वर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर कभी लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है ब्लड, तो अगर बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर डेवलप हो रहा है सिस्टेमिक के कंपेयर में, तो कई बार ये क्या होता है कि क्योंकि यहाँ से वापस जा सकता है ब्लड यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, और ये यहाँ पर कुछ ये जो कैपिलरीज हैं इसमें ये वापस बैक जाके कुछ टाइम तक एज अ टेम्पररी स्टोरेज का काम कर सकता है। तो ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड का काम कर सकता है ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन एज रिजर्वर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्ट एज फिल्टर, अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया माइक्रोब्स आ जाए उसको फिल्टर कर सकता है सर्कुलेशन। ओके, कोई कैंसर सेल आ जाए उसको एनगल्फ कर सकता है, कोई माइक्रोब आ गया, कोई टॉक्सिन्स आ गया, ठीक है, तो या फिर कोई क्लॉट आ गया तो उसको भी पल्मोनरी सर्कुलेशन आप रिमूव कर देता है, यानी फिल्टर का काम भी करता है। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, जैसे आप इनहेलर लेते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सैलब्यूटामॉल जो कि एस्थमा में इना पफ दी जाती है, तो वो क्या होते हैं थ्रू दिस मतलब वो एरोसोल के फॉर्म में होते हैं। एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल होते हैं जैसे भाप, मतलब ये समझ लो आप स्टीम सी के फॉर्म में कह सकते हो, या जो गैसेस के फॉर्म में हो सकता है, ये कह सकते हो आप वर्ड एरोसोल्स। एरोसोल्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में ली जाती हैं दवाइयाँ, एरोसोल्स जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स में मैंने बताया था नाम है सैलब्यूटामॉल, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है, आप तो इसके थ्रू ले रहे हो, नेजल के थ्रू ले रहे हो या माउथ के थ्रू ले रहे हो, तो जो सीधा जाके ये एल्वियोलाई में, ये मतलब ब्रोंकियल मेम्ब्रेन से या एल्वियोलाई मेम्ब्रेन से सीधी की सीधी डायरेक्ट ब्लड में जा सकती है। या एनेस्थेटिक एजेंट्स, आपने देखा होगा कि टीवी में भी देखा होगा, जब आप पेशेंट जो है ऑपरेशन से पहले उसको इस तरह का एक मास्क टाइप से लगाया जाता है, और जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं वो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो ब्लड से जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो इसमें इस एयर के फॉर्म में चले जाते हैं, एज अ एरोसोल चले जाते हैं, तो वो भी जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन का ही एक फंक्शन है। तो तीन तरह से फंक्शन होंगे, लंग डिफेंस मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, थैंक यू सो मच।